15 से 18 साल के बच्चे को सुई लगनी है, ये 6 महीना 8 महीना पहले ये सवाल शुरू हुआ था और हम उसी पर आकर के रुक गए। तीसरा सवाल है कि बजट के पहले कोरोना का पदार्पण होता है और बजट के बाद जून में कोरोना चला जाता है, मतलब बजट का 3 हिस्सा पैसा कोरोना के में हमको डाइवर्ट कर देना, एक तरफ छुट्टी एक तरफ लूट। लगभग भारत के टैक्स का पैसा कोरोना में डाल, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कोरोना पीक पर आएंगे, फरवरी और मार्च के बजट में पैसे का डायवर्सन होगा, अप्रैल मई तक हम खर्च दिखा के जून में कोरोना को भगा देंगे। किसका और रिपोर्टर को, मुद्दे भी हम मुद्दालय भी हम, और डॉक्टर को यदि कोरोना हुआ था तो ये विस्फोट, क्या कौन सा लॉ और कानून कहता है कि हम उसको समाज में सोसाइटी में डरावना प्रस्तुत करें। डॉक्टर को हुआ तो डॉक्टर की कमी नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर को प्रेस कीजिए, उसको आप आराम करने दीजिए। 3.2% मात्र अभी तक हमारे पास भारत की स्थिति है, हम 5% से 6% यदि हम क्रॉस करते हैं तब जाकर के हम उसको पैनिक समझना चाहते हैं। तो जब अभी 3.2% भी हम भारत में हैं, ये स्थिति नहीं है, फिर इतना डरावना इस बार, और WHO भी शुरू कर दिया और हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी शुरू कर दिए, तो जब हमारा रिपोर्ट कहता है कि अभी हम 3.1 और 2 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं और 5 से 7% क्रॉस करेंगे तब जाकर के हम गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे, आइडियल है। जैसे ही वर्चुअल हुआ लोगों के भीतर, जैसे ही डॉक्टर साहब को चर्चा, वहां कोरोना नहीं है, जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया, जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था, इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं, और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम, कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है, आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों तोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा, और आप 12-14 तो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा, सबको अक्रमिक। एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं, ये सही नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।
और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।